हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आपको पता है कि प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा महीना एक गर्भवती महिला के लिए बहुत ही खास महीना होता है, क्योंकि इसी महीने के दौरान ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हो जाया करता है। अगर इस महीने के दौरान गर्भवती खाने पीने में कोई थोड़ी सी भी गलती कर बैठती है तो इससे उनकी प्रेगनेंसी का लॉस हो सकता है, उनका गर्भपात हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो आपसे ऐसी गलती ना हो सके, सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या खाना चाहिए ताकि गर्भ में शिशु का विकास पूरे महीने के दौरान सही ढंग से हो सके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को लगभग सभी तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, सभी तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ ऐसे न्यूट्रिशन हैं, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिसे गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के पूरे महीने में लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। जैसे कि फॉलेट, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन। फॉलेट, जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, ये फॉलेट गर्भ में शिशु के दिमागी विकास में और रीढ़ की हड्डियों के विकास में काफ़ी मदद करता है। इतना ही नहीं, फॉलेट गर्भ में शिशु को न्यूरल डिफेक्ट से बचाने में मदद करता है। न्यूरल डिफेक्ट एक तरह का बर्थ डिफेक्ट है जिससे शिशु का दिमागी विकास रुक जाता है और शिशु का दिमाग तेज़ नहीं हो पाता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को फॉलेट वाले जितने भी फूड्स होते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। फॉलेट किन फूड्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे लिखकर अपने पास रख सकते हैं और इसे आप आज ही से अपने डाइट में लेना शुरू भी कर दें। नंबर टू, कैल्शियम। जैसा कि आपको पता है कि कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत करने में मदद करती है। प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कैल्शियम वाले फूड्स गर्भ में शिशु के हड्डियों के विकास में मदद करती है, साथ ही दांतों के विकास में मदद करती है। जैसा कि आपको पता है कि शिशु का सबसे पहले हड्डियों का ही विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे मांसपेशियां शिशु के शरीर पर बनने लगती है। तो इसलिए आपको कैल्शियम वाले फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। कैल्शियम किन फूड्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर थ्री, आयरन। जैसा कि आपको पता है कि आयरन हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करती है। प्रेगनेंसी में आयरन वाले फूड्स गर्भवती महिलाओं को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि आयरन गर्भवती के शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करती है, जिससे शिशु तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच पाता है और शिशु का सही ढंग से विकास हो पाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आयरन वाले फूड्स का इस्तेमाल करना है। आयरन किन फूड्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसकी भी लिस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। नंबर थ्री, प्रोटीन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन मांसपेशियों के विकास में मदद करती है। प्रेगनेंसी में प्रोटीन गर्भवती महिलाओं को लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन ही गर्भ में शिशु के वज़न को बढ़ाने में मदद करती है। अगर प्रोटीन की कमी गर्भवती महिलाओं को हो जाती है तो शिशु का वज़न कम हो सकता है और समय से पहले ही प्रसव हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप अपने डाइट में प्रोटीन वाले फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें। प्रोटीन किन फूड्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसकी भी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप चाहें तो इसे लिखकर अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हाइड्रेट रहना गर्भवती महिलाओं को बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे 9 महीने तक गर्भ में शिशु एक पानी की थैली में ही रहता है, तो पानी की कमी अगर हो जाती है तो आपको प्रेगनेंसी में कई तरह के प्रॉब्लम हो सकती है। सो कोशिश ये करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे, तीसरे और पूरे महीने में पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन चीज़ों को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। नंबर वन, कैफीन। जी हाँ, प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में कैफीन वाले फूड्स आपको भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई स्टडी और रिसर्च ये बताती है कि अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो इससे आपका गर्भपात हो सकता है, क्योंकि कैफीन वाले फूड्स आपके यूट्रस में
कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है जिससे आपका गर्भपात हो जाता है। कैफीन चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। अब तो कुछ ऐसे चॉकलेट भी आने लगे हैं जिसमें कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले उसमें कैफीन की मात्रा को ज़रूर देख लें। नंबर 2, पपीता। जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेगनेंसी में कच्चा और अध पका पपीता नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, कच्चे और अध पके पपीते में लैटेक्स और पेपेन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है जिससे अर्ली प्रेगनेंसी का गर्भपात हो जाता है। सो भूल कर भी आपको प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में पपीते का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में अंगूर, अनानास और अल्कोहल का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे फूड्स आपके प्रेगनेंसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा आपको फास्ट फूड भी प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपके अर्ली प्रेगनेंसी में काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। अब कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे, तीसरे महीने में जी मिचलाना, चक्कर आना और उल्टियां जैसी समस्याएं होने लगती है, और कुछ महिलाओं को तो सर दर्द की भी समस्या होने लगती है। तो वैसे में महिलाएं सोचती हैं कि उन्हें दवा खाकर इसे ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में किसी भी मेडिसिन का या दवा का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी लॉस भी हो सकती है, आपका गर्भपात भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ ले, नहीं तो आपके साथ नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अगर आपने अभी तक अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं किया है, आप कंफ्यूजन में हैं, सो मेक श्योर कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करके अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म ज़रूर कर लें। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जा सकें। रूटीन चेकअप प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क की हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता है और आपका गर्भपात हो जाता है। सो अगर आप रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते रहेंगे तो डॉक्टर आपके प्रेगनेंसी को मॉनिटर कर पाएंगे और समय रहते ही आने वाले प्रॉब्लम को वो आसानी से ठीक भी कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप के लिए ज़रूर जाएं। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में सभी तरह के डिस्चार्ज पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको कई तरह के डिस्चार्ज होते हैं। अगर आपको डिस्चार्ज के साथ कोई दूसरे सिम्टम भी होती है, आपको पेन भी होता है, कमर दर्द भी होता है और आपको डिस्चार्ज भी हो रही है, तो इस तरह के डिस्चार्ज को अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, क्योंकि हो सकता है कि ये डिस्चार्ज किसी दूसरे प्रॉब्लम की तरफ आपके लिए इशारा कर रहा है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में आपको भूल कर भी ट्रैवल यानी कि सफ़र नहीं करना है। कई महिलाएं ऐसी होती है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के तुरंत बाद वो सफ़र करने के लिए सोचने लगती है, लेकिन आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में गर्भपात होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी चौथे, पाँचवें या छठे महीने की हो गई है तो आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ट्रैवल बहुत ही छोटा होना चाहिए, लंबा सफ़र नहीं होना चाहिए। चौथा बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले एक्सरसाइज करती थी तो अब आपको प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने में एक्सरसाइजेस को नहीं करना है। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में एक्सरसाइजेस या योगा करते हैं तो इससे आपका गर्भपात भी हो सकता है। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्रिमेस्टर चल रहा है, आपकी प्रेगनेंसी का चौथा, पाँचवा या छठा महीना चल रहा है, तो इस दौरान आप एक्सरसाइजेस और योगा कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइजेस, वो योगा लाइट होना चाहिए, हल्की फुल्की योगा या एक्सरसाइजेस होना चाहिए, इससे आपके प्रेगनेंसी को काफ़ी बेनिफिट होगा। सो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान में रखते हैं तो आपके प्रेगनेंसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो पाती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है, नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।